सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रिंस सैनी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जिनकोविट सिरप के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि जिनकोविट सिरप के यूज़ क्या होते हैं, इसके डोज किस प्रकार से लिए जा सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और मार्केट में इसके प्राइस क्या होते हैं, या फिर दोस्तों इस जिनकोविट सिरप को जो है हम किन किन बीमारियों में नहीं ले सकते। सो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिनकोविट सिरप एक मल्टी विटामिन सिरप होती है, जिसमें जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन B12 होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, यानी बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिले होते हैं। और गाइस, बात करें हम इसके यूज के बारे में, तो इसका यूज जो है जब किसी पेशेंट को वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी होती है, तो उस दौरान इस जिनकोविट सिरप का यूज जो है पेशेंट में करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे यूसेज हैं, जैसे कि पेशेंट को कमज़ोरी कारण उसको हेडेच बना रहता है, यानी सर दर्द बना रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम जिनकोविट सिरप का यूज करवा सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट में अक्सर ये होता है कि जब पेशेंट को कमज़ोरी आ जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उनको हड्डियों में पेन होता है, या फिर यूँ कहें कि उनको जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम जिनकोविट सिरप का यूज़ जो है पेशेंट में करवा सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में होता क्या है कि उनको खून की कमी होने लगती है, तो आयरन की कमी को बूस्टअप करने के लिए हम जो है जिनकोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ पेशेंट में क्या होता है कि उनको जॉइंटिस हो जाती है, जॉइंटिस यानी पीलिया हो जाती है। पीलिया किस लिए होती है? जब किसी पेशेंट में जो है खून की कमी होती है, तो अक्सर उनका बॉडी जो है पीला होने लगता है, जिसे हम जॉइंटिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इस जिनकोविट सिरप को जो है यूज़ में ले सकते हैं। और दोस्तों, वीकनेस के कारण बहुत सारे लोगों को चलने फिरने में चक्कर महसूस होते हैं, तो भी जो है हम इस सिरप को यूज़ में ले सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि अक्सर जो है उन्हें भूख कम लगती है, या फिर यूँ कहें कि उन्हें भूख ज़्यादा लगती ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी आप जिनकोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस कंडीशन में होता क्या है कि जिनकोविट सिरप जो है हमारे लीवर को जो है प्रोटेक्ट करने लगता है, जिससे हमें काफ़ी मात्रा में भूख भी लगने लगती है। और दोस्तों, यदि किसी पेशेंट की सर्जरी हुई होती है, तो अक्सर ऐसे पेशेंट को होता क्या है कि उन्हें वीकनेस आने लगती है, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का यूज किया जा सकता है। यदि दोस्तों आपको आर्थराइटिक पेन बना होता है, यानी आपके जोड़ों में या फिर घुटनों में कमज़ोरी की वजह से, या फिर यूँ कहें कि कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी से आपके जोड़ों में पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जिनकोविट सिरप का यूज जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्रेग्नेंट लेडी में जो है अक्सर आयरन की कमी होने लगती है, तो उस कंडीशन में आप जिनकोविट सिरप प्रेग्नेंट लेडी को करवा सकते हैं। और दोस्तों, इसके बहुत सारे यूसेज होते हैं, जैसे कि यदि आपको थोड़ा सा मसल्स ग्रो करना होता है, अपने बॉडी को फुर्तीला बनाना होता है, अपने बॉडी में जो है आप आयरन की कमी नहीं होने देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस आयरन सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और गाइस, बात करें हम इस सिरप के डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है वो खाना खाने के बाद में 2-2 ढक्कन सुबह शाम लेना होता है। यदि आपकी एज 12 प्लस है, तो आप बेसिकली 2-2 ढक्कन सुबह शाम ले सकते हैं। और दोस्तों, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी यदि आपको नोज़िया हो रहा, वोमिट हो रहा, या फिर आपके बॉडी में लाल चकत्ते आ जा रहे हैं, या फिर आपको खुजली जैसा महसूस हो रहा है, तो आप इस सिरप का यूज ना करें। और इस सिरप का यूज जो है हमेशा अपने नियरेस्ट डॉक्टर के देखरेख पर या फिर डॉक्टर सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस सिरप का यूज जो है हमें किन पेशेंट को नहीं करवाना होता। यदि दोस्तों किसी को ड्रग एलर्जी है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज जो है ऐसे पेशेंट को ना करवाएं। लेकिन गैस, इसका यूज जो है हार्ट रोगी भी कर सकते हैं, हार्ट रोगियों के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। यदि आपको कोई किडनी रोग है, तो उस कंडीशन में हमेशा अपने डॉक्टर के सलाह पे ही इस सिरप का यूज करें। सो दोस्तों, अब बात करें हम इसके यदि प्राइस के बारे में, तो इसका रेट है वो 150 रुपये के आसपास ही होता है। लेकिन दोस्तों, इसका रेट जो है वो कोई फिक्स नहीं है, इसका रेट अब थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। सो दोस्तों, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।